महान संत परम पूजनीय भट्टारक श्री चारू कीर्ति स्वामी जी का 23 मार्च को समाधि मरण हो गया। श्रवणवेल गोलाई स्थित 57 फीट ऊंची विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा के हर 12 साल में होने वाली चार चार महामस्तकाभिषेक का इन्होंने नेतृत्व किया था। जैन समाज के लिए इनका जाना अपूर्णीय क्षति है। स्वामी जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ श्रवणवेल गोला में हुआ, जहां सेना की टुकड़ियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। साल 2018 का महामस्तकाभिषेक ऐतिहासिक रहा। इस महामस्तकाभिषेक में कोलकाता की एक सशक्त टीम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस टीम का नाम है टीम बाहुबली। महामस्तकाभिषेक 2018 और इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका एक टीम, एक संगठन जो निभा रही है, वो कलकत्ते के 22 नवयुवकों की एक टीम है जिन्होंने कलश नगर भोजनशाला की पूरी व्यवस्था ले रखी है। और केवल 5 दिन नहीं, मैं कहूँगा पिछले 5 महीनों से उन लोगों ने दिन रात अपने व्यापार को, अपने काम को छोड़कर इस पुण्य के काम को सफल करने के लिए ये बीड़ा उठाया है। ये आप टीम देख रहे हैं, ये सारे के सारे कोलकाता के लोग हैं। ये कलश नगर भोजन व्यवस्था समिति टीम बाहुबली कोलकाता, ये हम 24 नवयुवकों की कोलकाता की टीम है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। रविवार 26 मार्च को बेलगछिया मंदिर के प्रांगण में टीम बाहुबली, सकल जैन समाज और कोलकाता हावड़ा की कई संस्थाओं की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हमने तो कुछ नहीं किया, मैंने हाथी के शरीर में एक राय देने के बराबर काम किया है। स्वामी जी ने जो करे वो कम है, और आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे कोलकाता वासी एकत्रित हुए हैं। तुरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। यही स्वामी जी का साहित्य जीवन था। चारों दिन के बाद जब भी हम लोग दर्शन हेतु जाते थे, उनका वाचन ऐसा था कि आप धनराज जी के लड़के हो ना। उन्होंने आश्रण बुला क्षेत्र से जो प्रभावना की, वो जैन जगत की जो कला, साहित्य और संस्कृति का परिचायक थी। 2018 में जब महामस्तक का विषय हुआ था, उस समय मुझे स्वामी जी से मिलने का, मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। उसके पहले कभी भी मेरा उनसे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ था। जैन धर्म का जो प्रचार स्वामी जी ने
श्रवण वेदबुला के माध्यम से किया वो अपने आप में अद्वितीय है। मुझे श्रवण वेदबुला से जुड़े अनुसार हो गए हैं। 1967 के महापुस्तकाभिषेक में मैंने एक भक्त के रूप में भाग लिया था, जिन्होंने 12 वर्षों के अंतराल से जो महामस्तिकाभिषेक होता है ऐसे 3 महामस्तिकों का महामस्तिकाभिषेक का आयोजन सफलपूर्वक करवाया है। श्रद्धांजलि सभा को आर्य का विशा श्री माता जी एवं उनके सहसंग का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज का प्रसंग सभी सुन रहे थे भी घंटा गौरव चारों की दिशा जिनके व्यक्तित्व के बारे में जितना भी कहा गया स्वस्ति श्री भट्टारक चारु कीर्ति जी के महाप्रयाण के बाद उनके शिष्य विचार पट छुल्लक श्री आगम कीर्ति जी को भट्टारक पीठ पर विराजमान कराया गया। भट्टारक आगम कीर्ति जी अत्यंत धार्मिक ज्ञानी और मृदु स्वभाव के हैं। दिनांक 27 मार्च को श्रवण बेल गोला तीर्थ पर एक भव्य कार्यक्रम में उन्हें पट्टासीन किया गया, जिसमें देश के सभी भट्टारकों जी के साथ ही साथ विशिष्ट जन भी मौजूद थे। पीठानुसार उनका नामकरण स्वस्ति श्री चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी किया गया। भट्टारक स्वामी चारु कीर्ति जी की कमी जहां जैन समाज को सदा खलती रहेगी, वहीं संपूर्ण जैन समाज को ये उम्मीद और विश्वास है कि नए भट्टारक जी के मार्गदर्शन में श्रवण बेल गोला और नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।